कम उम्र में ही अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर कांग्रेस स्टार प्रचारक साधना भारती जबलपुर पहुंची, जहां उन्होंने जेएनयू मामले में केंद्र सरकार को जमकर घेरा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी की कई सभाओं में देखने वाली साधना भारती की माने तो जिस तरह की घटना जेएनयू में हुई है वो बहुत निंदनीय है, जिससे कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे किसान हो या फिर छात्र, इस तरह की हिंसात्मक घटना जिनके साथ होती है वो बहुत ही दुखद में है। ऐसे में जरूरी है कि ऐसे लोगों पर सरकार कार्यवाही करे। साधना भारती ने कहा कि जेएनयू में जो घटना हुई है उससे सिर्फ छात्र ही नहीं पूरे देश में गलत मैसेज गया है। अब संवैधानिक देश में इस तरह की घटना हो तो पूरे विश्व में गलत संदेश जाता है, जिसको लेकर मोदी सरकार को सोचना चाहिए। कांग्रेस की स्टार प्रचारक की माने तो जो घटना अभी हुई है ये कोई पहली बार नहीं है। देश में जितने भी दंगे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही होते हैं। बात करें चाहे गुजरात दंगे की या फिर राम मंदिर के नाम पर आंदोलन हुए, इन्हीं की सरकार में अमित शाह तड़ीपार हुए। साधना भारती ने यह भी कहा कि मोदी सरकार मुद्दा विहीन काम कर रही है, जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। वहीं सीएए और एनआरसी पर भी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मोदी सरकार को घेरा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति रही है, फूट डालो और शासन करो, भाई को भाई से लड़ाओ और वोट अपना कर लो, पिछड़े वर्ग के लोगों को मुखौटा बनाओ और वोट अपना कर लो, और जब आपको सब कुछ मिल जाए, मलाईदार पदों पर आप विराजमान हो जाए, तो फिर पिछड़े वर्ग का क्या करें? पिछड़े वर्ग को दूध में से मक्खी की तरह फेंक दो। सुश्रीमा भारती जी के साथ ऐसा नहीं किया क्या? मेरी दादी समान है, मैं परम आदरणीय सुश्रीमा भारती जी का सम्मान करती हूं, और मुझे बहुत दुख होता है उनके लिए कि एक पिछड़े बहुसंख्यक पिछड़े वर्ग की हिंदू महिला, जिन्होंने चाहे वो राम मंदिर के नाम पर आंदोलन हुआ हो, तो आज मैं आपसे ही पूछती हूँ ना, अब राम मंदिर बनने जा रहा है ना, उसमें क्या ट्रस्टी बनाएंगे सुश्री उमा भारती जी को? क्या माननीय कल्याण सिंह जी, जिन्होंने पूर्ण बहुमत होने के बावजूद अपना त्याग देने का काम किया, मुख्यमंत्री पद को कुर्सी का उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी का उस समय त्याग हुआ, तो क्या उनको बनाएंगे ट्रस्टी? क्या बनाने का कोशिश करेंगे विनय कटियार जी को? बनाएंगे? नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि इनकी मानसिकता ही नहीं है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। इनकी मानसिकता है कि उनको मुखौटा बनाकर मलाईदार पदों पर खुद बैठ जाए, और जब अगर हिंदुओं के नाम पे जो आंदोलन हो तो उसमें अगर किसी को मरना है तो पिछड़े हिंदुओं को आगे कर दो, अगर किसी को जाना है, किसी को लाठियां गानी है, तो पिछड़ा हिंदू आगे हो जाए। तो मेरा यही कहना है कि सुश्री उमा भारती जी को भी मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, साथ ही साथ मध्य प्रदेश से उन्हें जैसे किसी अपराधी को तड़ी पार कर दिया जाता है, ऐसे उन्हें मध्य प्रदेश निकाला दे दिया गया। और मैंने खुद उन्हें भी कहते हुए सुना है, कई बार कहा है दादी समान सुश्री उमा भारती जी ने, कि भाजपा लोगों और नेताओं का उपयोग कुछ इस प्रकार करती है जिस प्रकार कोई व्यक्ति जलेबी खाने के लिए दोनों और पत्तल का उपयोग करता है। जलेबी खाने के लिए दोनों और पत्तल का उपयोग करते हैं, जलेबी का रस चूसने तक तो दोनों को रखेंगे परंतु फिर फेंक देते हैं। इसी प्रकार केशुभाई पटेल का उपयोग हुआ, मदन लाल खुराना का उपयोग हुआ, कुसुम मेहंदेले जी का उपयोग हुआ, माननीय कल्याण सिंह जी का उपयोग किया, और सुश्री उमा भारती जी का भी उपयोग किया उन्होंने। और उनके घर कांग्रेस ने हिंदू और मुसलमानों को भेद करके कभी बात नहीं की। कांग्रेस की विचारधारा धर्म निरपेक्षता की विचारधारा रही। हमने हमेशा ये कहा कि संविधान की आत्मा का सम्मान होना चाहिए, जो सर्वधर्म संभाव की है। लेकिन भाजपा जब भी आती है तो आप देखते हैं कि दंगे होते हैं। भाजपा जब भी आती है कभी राम के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास करती है। तो हमने मुसलमानों का कभी ऐसे नहीं कि हम मुसलमानों के ही साथ हिंदुओं के साथ नहीं है। हमने कहा कि क्यों मुसलमानों के साथ भेदभाव भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास करती है, क्यों मुसलमानों से चिढ़ती है, क्यों चाहती है कि मुसलमान हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, क्यों ये सब बातें आती हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान क्या आजादी के आंदोलन में मुसलमान जो आजादी के आंदोलन में मुसलमानों का हाथ नहीं था? हिंदुस्तान को आजाद कराने में कई ऐसे मुस्लिम थे जो शहीद हुए, तो इस्लामिक लोग भी शहीद हुए हिंदुस्तान को आजाद कराने में। तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान आजाद कराने में केवल एक ही धर्म के लोग थे। तो हमने ये कहा कि जब संविधान बना तो संविधान की आत्मा है सर्वधर्म संभाव, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई के नारे को कांग्रेस पार्टी बुलंद करती आई है। कांग्रेस पार्टी आज भी हिंदुओं के भी साथ है, और अगर मुसलमानों के अधिकारों का हनन कोई करेगा तो हम मुसलमानों के भी साथ है, सिखों के अधिकारों का हनन करेगा तो सिखों के साथ है, ईसाइयों के अधिकारों का हनन होगा तो उनके साथ है। हम कहते हैं किसी के भी अधिकारों का हनन हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र की हमारी ताकत है एकता, धर्म निरपेक्षता, और उसके झंडे को बुलंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी को सत्ता का लालच नहीं है, कांग्रेस पार्टी को सत्ता का कोई लालच नहीं, कांग्रेस पार्टी मानवता को सर्वोपरि रखकर धर्म निरपेक्ष